स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं थर्ड चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का सेंसस एंड सैंपलिंग। तो आपके कमेंट्स काफी आ रहे थे कि थर्ड चैप्टर करवा दो, फर्स्ट टू चैप्टर मैंने वहां पे डाल दिए थे, जिसमें कि पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन का था, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, और सेकेंड चैप्टर हमने डाला है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स डाटा। ठीक है, तो उसकी कलेक्शन करने के बाद अब हमारे पास दो मेथड आगे के कलेक्शन के आगे फर्दर दो मेथड क्या है। तो जब भी हम कलेक्ट करते हैं अपने डाटा को, तो कलेक्ट करने के लिए हम इन दो मेथड्स का मेनली यूज करते हैं। तो क्या है ये दो मेथड, इनकी डेफिनेशन करेंगे, इनके फीचर्स क्या है, फंक्शन क्या है, इनकी टाइप क्या है, और फर्दर इसमें एक आएगा आपका यूनिवर्स। तो आज ये वाले टॉपिक हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सेंसस। तो सबसे तो पहले हम बात करेंगे, इट इज अ मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा, कि हम डाटा को कलेक्ट करना चाहते हैं तो सेंसस मेथड को हम फॉलो करेंगे। तो सेंसस मेथड में एक्चुअल में होता क्या है, सेंसस मेथड में इन सेंसस होल द यूनिवर्स will be covered। तो सेंसस में एक्चुअल में होता क्या है कि सारा का सारा यूनिवर्स हम कवर कर लेते हैं। सारा यूनिवर्स मतलब अगर आपके पास एक क्लास है, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपके पास एक क्लास है, ठीक है, क्लास कौन थी, मान लो बीकॉम की ही क्लास था हमारे पास फर्स्ट की, उसमें हमारे पास 42 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं, 42 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर मैं इन 42 के 2 स्टूडेंट्स को कवर कर रहा हूँ, अगर मैं उन सभी से डाटा रिकवर कर रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं होल द यूनिवर्स यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी को हम सेंसस कहते हैं। जैसे कि हमारे पास 10 इयर्स के बाद हमारे देश में सेंसस आता है, उसमें सारे पर्सन से डाटा कलेक्ट किया जाता है और सेंसस की रिपोर्ट निकाली जाती है, इसी तरह से यहाँ पे होल द डाटा इज रिकवर। ठीक है, तो पूरा का पूरा डाटा रिकवर किया जाएगा, उसी को हम कहेंगे सेंसस मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो एग्जांपल हो गई हमारी कि सेंसस मेथड एक्चुअल में होता क्या है, ये हमें पता चल गया। ओके, तो थर्ड हम करेंगे कि ये सेंसस मेथड एप्लीकेबल कहां पे होगा। तो इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन In case of investigation for whole economy या फिर government bodies, तो जब हमारी वो investigation इंपॉर्टेंट है किनके लिए, या तो पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए या फिर गवर्नमेंट बॉडीज के लिए। तो गवर्नमेंट बॉडीज कौन सी आएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, हमारी म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, तो जब वो रिपोर्ट्स निकालती हैं तो वो सेंसस मेथड को यूज करके रिपोर्ट्स निकालती हैं। ओके, तो इसका हमें फायदा क्या होगा, इसका हमें फायदा ये होगा कि हमें पूरी रिपोर्ट मिलेगी उसकी। ठीक है, तो जितनी रिपोर्ट हम निकालना चाहते हैं पूरी की पूरी रिपोर्ट यहां से हम निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ मैरिट्स उसके। ठीक है, तो अगर आपने ये नो डाउट नहीं किया तो कर लो पॉज करके, वरना मैं इसको रवि करने वाला हूं। तो चलिए ये हो गया रव, अब इसके करते हैं कुछ मैरिट्स, मैरिट्स ऑफ अ सेंसस मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा हो गया, इट गिव्स अस क्लियर रिपोर्ट। क्लियर रिपोर्ट आती है क्योंकि सारा का सारा यूनिवर्स कवर कर लिया, तो पूरी की पूरी रिपोर्ट आ रही है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट आ रही है। तो इट गिव्स अस डाटा इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, मतलब क्या है कि इसमें सेंसस मेथड में हमारा जो डाटा हमें आएगा, तो वो डाटा पूरी की पूरी तरह डिस्क्राइब किया होगा।
पूरी तरह एक्सप्लेन किया हो, क्योंकि हमने यहाँ पे एक-एक पर्सन को चुन-चुन के उनसे डाटा लिया है, ठीक है, चुन-चुन के गोली नहीं मारी, चुन-चुन के उनसे डाटा लिया है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट आएगा हमारा, इट गिव्स अस क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक पर्सन के लिए, चाहे वो ले पर्सन है, एक ले मैन है, साधारण आदमी है, चाहे वो एक इंटेलिजेंट, मतलब कि उसको उस चीज की समझ हो, तो दोनों को ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देगा, क्योंकि पूरी रिपोर्ट है ना, तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में क्या होगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि पूरा का पूरा यूनिवर्स कवर हो रहा है, एक भी पर्सन नहीं छूट रहा, एक भी पर्सन को नहीं छोड़ रहे, तो इसका मतलब बायासनेस के चांसेस नहीं है, ठीक है। देयर नो एनी चांसेस ऑफ बायासनेस। ओके, तो बायासनेस एक्चुअल में क्या होती है, भेदभाव है कि उसको चुन लिया, इसको नहीं चुना, जैसे कि आजकल स्कूल में होता है, टीचर्स अपने बच्चों को चुन लेते हैं, बाकियों को नहीं चुनते, तो ये स्कूल में होता है ना आपके साथ, तो वो बायासनेस यहाँ पे नहीं है, वो चांसेस यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये इसके कुछ मेरिट्स हो गए, इसके मेरिट्स इसके लिए, लोगों के लिए, जो बंदा इन्वेस्टिगेटर है उसके लिए, ठीक है, जो एन्यूमरेटर्स है उनके लिए, तो उनके लिए ये कुछ फायदे हो गए। तो ये फायदे आपको ध्यान में रखने हैं, अगर आप नोटअप करना चाहते हो तो अपनी कॉपी पे कर सकते हो। तो भाई अब मेरिट्स हो गए तो कुछ डीमेरिट्स भी हो गए, ठीक है ना, कुछ लाभ है तो कुछ कमियां भी तो होंगी, तो वो कमियां क्या है, वो डीमेरिट्स क्या है, तो व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड। तो सेंसस मेथड में हमारे पास सबसे पहले तो डीमेरिट ये भी आ जाती है कि भाई इतना ज्यादा कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे, मतलब अगर मैं आपको दे दूं पूरा इंडिया, तो इतना इन्वेस्टिगेशन कहाँ से करोगे, हर एक बंदे को पकड़ के कहाँ से इन्वेस्टिगेशन कर पाओगे आप, ठीक है। तो इसमें इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो भाई काफी डिफिकल्ट है टू इन्वेस्टिगेट होल यूनिवर्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्टिगेट द होल यूनिवर्स, इफ द यूनिवर्स इज वेरी लार्ज, अगर यूनिवर्स काफी बड़ा है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी इंडिया का, ठीक है, अगर इंडिया की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो तो वो आसानी से पॉसिबल नहीं है, तो वो आप और या मैं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। फर्दर सेकंड, तो ज्यादा लेबर चाहिए, ज्यादा कॉस्ट लगेगी, पता ही है, ज्यादा कॉस्ट लगेगी और ज्यादा लेबर चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो तो आपका खर्चा ज्यादा लगेगा, ठीक है। यहां पे हम कह सकते हैं कि दिस मेथड कैन बी अप्लाइड, या फिर आप कह सकते हो दिस मेथड, आप नेगेटिव बात कर रहे हो ना यहां पे, तो नेगेटिव ही यहां पे लिखो, दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड, नहीं कर सकते, कौन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी अप्लाइड बाई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना पैसा कहां से आया स्मॉल के पास कि वो ये मेथड अप्लाई करें, ठीक है। तो आगे यहां पे हमारे पास क्या आएगा, आगे यहां पे आएगा कि अगर आप इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए
आपके पास इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ ना कुछ एरर्स वहां पे दिखेंगे, कुछ ना कुछ एरर्स दिखेंगे ही दिखेंगे। तो उन एरर्स को हम क्या लिखेंगे, देयर मे बी सम मिस्टेक व्हाइल कलेक्टिंग डाटा। जब तुम डाटा कलेक्ट कर रहे तो हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाए, ठीक है, तो मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी रहेगी ही रहेगी, पूरी तरह एक्यूरेट डाटा नहीं मिल सकता। तो हो गया इतना, तो अब इसको भी नोट डाउन कर लो, मैं ना मैं करने जा रहा। नेक्स्ट पे हमारा है सैंपलिंग, सैंपलिंग मेथड। तो सैंपलिंग मेथड क्या कहता है, ये क्या होता है ना, ये चुन चुन के निकाल लेता है किसको, डाटा, ठीक है। डाटा मतलब अगर आपके पास वही 42 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से मैं क्या करता हूँ, कुछ 10 स्टूडेंट्स निकाल देता हूँ। 10 स्टूडेंट जब मैंने निकाले तो मैं उन 10 स्टूडेंट से इन्वेस्टिगेशन करूंगा, ना कि 42 स्टूडेंट से इन्वेस्टिगेशन करूंगा। तो जब मैं 42 को छोड़ के उन 10 से इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ तो उसे कहते हैं सैंपलिंग मेथड, ठीक है, कि मैंने उसमें से कुछ सैंपल निकाल लिया और उसकी इन्वेस्टिगेशन करके देख रहा हूँ कि क्या रिजल्ट निकलता है, ठीक है। तो आपको पता है कि उतना रिजल्ट नहीं निकल के आएगा जितना यहाँ पे निकल सकता, क्योंकि यहाँ पे हमने 10 निकाल तो लिया बट कुछ रिप्रेजेंटेटिव है 42 का, ये 10 स्टूडेंट्स 42 को रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि ये 42 स्टूडेंट्स हैं। ओके, समझ रहे हो ना, ये इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जस्ट, ना कि ये एक्चुअल में 42 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंट की पावर इतनी नहीं होगी जो एक्चुअल की पावर होगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरिट्स होंगी वो डीमेरिट्स बन जाएंगी, जो डीमेरिट्स होंगी वो मेरिट्स बन जाएंगी। यहाँ पे हमारा डाटा जो होगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा उससे। ओके, बायासनेस आएगी इसमें, बायासनेस उसमें नहीं थी, बायासनेस इसमें आएगी, ठीक है। इसमें कॉस्ट कम लगेगी, आप वैसे ही जैसे मैं बोल रहा हूँ कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ पे मैं नहीं लिख पा रहा, इसमें कॉस्ट कम लगेगी, इसमें हमारा टाइम भी कम लगेगा। ओके, इसमें हमारा टाइम भी कम लगेगा। ये क्लियर तो होगी रिपोर्ट, बट उतनी क्लियर नहीं होगी जितना सेंसस में था, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडेबल एंड क्लियर होगी बट उतनी क्लियर नहीं होगी। तो बायासनेस का मैंने आपको बताया कि बायासनेस ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप उसमें नोट डाउन कर सकते हो, तो वही सेंसस को देख के आप सैम्पलिंग को भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल भी बना सकते हो कि जैसे ये क्या है, यूनिवर्स। ओके, तो यूनिवर्स में ये आपके पास कुछ पर्सन दे रखे हैं जिसकी आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, ऐसे करके आपके पास दिया होगा, ठीक है ना। तो मैं रफ सा बना रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, इसमें से एक सैंपल निकाल लेना है, तो सैंपल आएगा इतना, ठीक है। तो इतने ये आपका सैंपल आ गया। तो अगर तो आप इस पूरे यूनिवर्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो उसे कहते हैं सेंसस मेथड। तो अगर आप इस सैंपल की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो उसे कहेंगे सैंपलिंग मेथड, समझ आ गया। तो इसी तरह से आपको कई बार क्या आता है, इसमें डिफरेंस आ जाता है, सेंसस एंड सैंपलिंग में डिफरेंस बताओ। तो कैसे बताओगे, सेंसस मेथड पूरे यूनिवर्स का इन्वेस्टिगेशन, सैंपलिंग मेथड थोड़े से यूनिवर्स का इन्वेस्टिगेशन, उसमें से एक सैंपल निकाल देगा, ठीक है ना। तो सेंसस मेथड में एक्चुअल डाटा इज इन्वेस्टिगेटेड, तो सैंपलिंग मेथड में रिप्रेजेंटेटिव डाटा इज इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है। देयर आर मोर क्लियर रिपोर्ट्स एंड एक्यूरेट रिपोर्ट्स, देयर आर लेस एक्यूरेट रिपोर्ट्स एंड क्लियर रिपोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कम होगी, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे बायासनेस नहीं है, यहाँ पे बायासनेस है, यहाँ पे हमारी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, यहाँ पे कॉस्ट कम लग रही है, यहाँ पे स्मॉल इन्वेस्टिगेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, यहाँ पे स्मॉल इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंस बना के लिख सकते हो, यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा टाइम कम लगेगा, वहीं लेबर ज्यादा लगेगी लेबर कम लगेगी, ठीक
वही सारी हमारे पास पॉइंट्स हैं, जो भी 8-10 पॉइंट्स हमारे बनेंगे डिफरेंस के वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपका सेंसस एंड सैंपलिंग में डिफरेंस कवर हो जाएगा अगर आपका ये एग्जामिनेशन में आता है, क्योंकि सेंसस का, सैंपलिंग का और इसके डिफरेंस, ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे होते हैं, तो 3 में से 1 क्वेश्चन तो पक्का वहां पे आएगा आपका एग्जामिनेशन में, 1 क्वेश्चन पक्का से आएगा। तो इसीलिए इन 3 क्वेश्चन को रिवाइज करना अच्छा। इसके बाद हम करने वाले हैं यूनिवर्स, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द टर्म व्हाट इज यूनिवर्स। तो वी डिस्कस हियर इन द केस ऑफ सेंसस मेथड द यूनिवर्स इज इन्वेस्टिगेटेड, द होल ऑफ द यूनिवर्स इज इन्वेस्टिगेटेड। इफ वी डील द यूनिवर्स इन द साइंस देन द यूनिवर्स इज द होल मास, यूनिवर्स इज द होल मास वेयर द अर्थ इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड अ पार्ट ऑफ इट। ओके, तो अर्थ उस यूनिवर्स का एक पार्ट होगा जो कि उस यूनिवर्स में प्रेजेंट है। तो यही हम उस यूनिवर्स को सैंपलिंग में, मतलब सेंसस मेथड में लेके आए, स्टैटिस्टिक्स में लेके आए, तो यूनिवर्स का मतलब है होल डाटा दैट इज प्रेजेंट, होल डाटा दैट इज प्रेजेंट टू अस। तो अ यूनिवर्स, व्हाट डज यूनिवर्स मीन? अ यूनिवर्स मीन all data presented to us for investigation. Okay, it is 100% in itself. ये अपने आप में 100% होगा। For example, there are 42 students, तो अभी आपको हो गए 42 के आप पीछे पड़ गए, तो 42 students मैंने वैसे ही नंबर ले रखा है 42 students, ठीक है। तो आपको ये नंबर बार बार इसी के लिखता हूँ क्योंकि सभी कंसेप्ट में अगर एक एग्जाम्पल आए तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो 42 students हमारी क्लास में है, ठीक है। तो इफ देयर आर 42 students इन अ क्लास then universe is made up by these 42 students because आर 100% इन इट, वो अपने आप में 100% है इसीलिए उनको यहाँ पे लिखना। हाँ, दी 42 स्टूडेंट्स आर 100% इन इट, तो इसीलिए उनको यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स अपने आप में 100% है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे बना के दी थी, तो वो एग्जांपल आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे यहाँ पे आती है यूनिवर्स की टाइप, वो मैं आपको करवाऊंगा अगली क्लास में। तो अगली क्लास में देख लो क्या क्या करेंगे। एक तो होगा इसका टाइप, टाइप ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की कितनी टाइप्स है वो सारा कुछ इसमें करेंगे। ओके, तो आगे कुछ मेथड होंगे सैंपलिंग के, ठीक है। हमारे यही दो टॉपिक्स हैं जो अभी इस चैप्टर में बचते हैं, तो हम ये दोनों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिवर्स, सेकंड में करेंगे हमारा मेथड ऑफ सैंपलिंग, ठीक है। तो अगली क्लास को वॉच कीजिए, अगली क्लास को वॉच करना मत भूलिए, और इस क्लास को भी पूरी तरह से वॉच कीजिए। और अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो उस वीडियो को पॉज करके पीछे करके दोबारा से देखिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट में लिखिए, कमेंट में मैं आपको उसे आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा या फिर अपनी अगली क्लास में डाल दूंगा ताकि आपको वो कंसेप्ट अगली क्लास में समझ आए, ठीक है।
तो अगर आपकी कोई और भी प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई आपको नोट्स चाहिए या फिर कोई और बात है, तो आप नीचे कमेंट्स में भी झिझक लिख सकते हैं, क्योंकि मैं कमेंट्स को वॉच करता रहता हूँ। तो आप उस कमेंट्स में लिखो, मैं उसको वॉच करूंगा, आपको सीधा आंसर दूंगा, तभी आंसर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आप मान लिया कि ये बेझिझक कमेंट्स में, ठीक है। कोई बुक चाहिए, कुछ और चाहिए, मैं उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ओके। मेरे पास फैसिलिटी है, मैं आपको पीडीएफ भी उसका प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्लास यहाँ तक ही रहेगी, आगे वाले कंसेप्ट अगली क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सबसे पहले तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन दिया होगा, उसको जल्दी से जाके दबाओ, ठीक है। लाइक कर दो इस वीडियो को, और साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में बेल आइकन को क्लिक करो, और साथ में सब्सक्राइब का बटन है, सबसे पहले सब्सक्राइब करो, फिर बेल आइकन को क्लिक करो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो, ओके। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहो, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताओ, ताकि वो भी इस वीडियोस को देखें, इन वीडियोस को देखें और इसका बेनिफिट ले पाए, और उनको भी कहो कि वो आगे शेयर करें, अपने सभी मीडिया पे, सभी चैनल पे इसको शेयर करें, ठीक है। तो थैंक फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलेंगे। बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को, और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं।